गाइस आपकी डिमांड हुई खत्म। आप बहुत कमेंट कर रहे थे ना कि आप बैकप्ले सिखाओ बैकप्ले सिखाओ, भाई अक्सर फ्लिप पर बैकप्ले सिखाओ। तो गाइस आप लोगों की डिमांड हुई पूरी, अब मैं सिखाने वाला हूँ आपको बैकप्ले। बैकप्ले सबसे आसान तरीका मैं सिखाने वाला हूँ, वीडियो में एंड तक बने रहे, बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत जल्दी सीख जाएंगे। तो गाइस पहला स्टेप आप, तो गाइस आपका पहला स्टेप ये होगा कि आपको अच्छे तरीके से जंप आनी चाहिए, वो भी इस तरह देखिए। गाइस आपको पहला स्टेप ये, पहला स्टेप आपका ये था, आप जितना आपसे जितना हो सके आप उतने ज्यादा जंप लें, उतना ही बेटर होगा, आप उतनी जल्दी सीख पाएंगे। सेकंड स्टेप ये होगा कि आपको बैठ कर रोल करना है इस तरह, आप ये तो स्टेप ये है, ऐसे करके बैठ जाइए और हाथों का ऐसे करिए। यस यस। तो गाइज आपका सेकंड स्टेप हुआ खान, बढ़ते हैं थर्ड स्टेप की ओर। अगर आपने इतना कर लिया तो समझ लो आप आधे बैकफ्लिप सीख गए। तो थर्ड स्टेप ये है आपको ऐसे हाथ करना है, ऐसे करके बैठ जाना है, ऐसे करके ऐसे जंप लेना है। यस। फिर दो हाथों का इस्तेमाल करना है ऐसे। यस। गाइस आपका थर्ड स्टेप हुआ खत्म, बढ़ते हैं फोर्थ स्टेप को। आप ये जितना अच्छा हो सके, जितना आप स्पीड निकल लो उतना ही बेटर होगा। बढ़ते फोर्थ स्टेप को, फोर्थ स्टेप ये है आप ऐसे हाथ रखें और फिर हाथ को ऐसे करके ऐसे करें, ऐसे करें, तो गाइस आपका फोर्थ स्टेप हुआ कंप्लीट। अगर आपने इतना कर लिया तो समझ लो आप बैकफ्लिप सीख गए। बस लास्ट स्टेप और बचा है, जिसको आप अच्छे तरह से इसको मतलब जितना हो उतना स्पीड बनाए, बेहतर बनाए, तो आपको उतना ही आसानी होगा करने में। बढ़ते फाइव स्टेप। तो गाइस आप अगर फोर्थ स्टेप में जो सिखाए, अगर फोर्थ स्टेप में जो सिखाया भी अगर आपने इस तरह कर लिया तो समझ लो बिल्कुल इजी तरीके से सीख गए। बिल्कुल लास्ट स्टेप बचा गाइस। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें। सिक्स स्टेप ऐसे प्रैक्टिस करना देखिए, बट आप पहले ऊंचे कोई ऐसी जगह ले लेना जिसमें मतलब दिक्कत ना हो करने में, इधर खाली हो इधर ऊंचा हो, ऊपर चढ़ के बैक फ्लिप करना है आपको। पहले ऐसे करना है भाई, फिफ्थ स्टेप वाला पहले ऐसे करना है, ऐसे प्रैक्टिस करते रहना गाइस। ऐसे प्रैक्टिस करें, कंटिन्यू प्रैक्टिस करें और आप ऐसे बेहतर बन सकते हैं। ऊंची जगह से करें ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा से ज्यादा आप सोचे कि कहीं बालू मिल जाए रेत वगैरह तो आप उसमें करें, प्रैक्टिस करें ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि उसमें चोट नहीं लगेगी। फाइनली रिजल्ट, जितना हो सके आपको ऊपर जंप लेनी है, ऊपर टक टू जंप ऐसा करके, जितना आप अच्छा जंप लोगे उतनी अच्छी आपकी फ्लिप आएगी। तो गाइस हमारे वीडियो से आपको थोड़ी सी भी नॉलेज मिली हो तो गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो साथ को वीडियो को लाइक कर लें। तो गाइस आपको इस फ्लिप को सीखने से आपको अच्छी बात यह है कि आप पब्लिक में तबाही मचा दें, लड़कियों की लाइन लगा दें फटाफट। अगला वीडियो किस पर हो आप ये कमेंट करें जरूर, अगली फ्लिप कौन सी सीखना है आपको उस पर जरूर से जरूर कमेंट करें। थैंक यू गाइस, बाय बाय।